इन प्रीवियस लेक्चर हम इनकोडर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इनकोडर की कंडीशंस देखी थी। ये डिकोडर जो काम कर रहा होता है, इनकोडर उसी का अपोजिट परफॉर्म करता है। यानी कि आप यहाँ पे एक्चुअल जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट करते हो कोडेड फॉर्म में एंड देन सेंड कर रहे हो, तो दैट इज वाई वी कॉल्ड इट इनकोडर। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इनकोडर की ही एक एप्लीकेशन है जो कि क्या कर रही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम कीबोर्ड की कोई भी की अगर प्रेस करें तो उसका जो BCD इक्विवेलेंट है वो क्या हो, वो हमारे पास आउटपुट पे शो हो जाए कि लेट्स से आई प्रेस टू फ्रॉम हेयर, तो मुझे पता है कि BCD में टू का क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, शो हो रहा होगा। तो यहाँ फॉर ईच बटन हमने क्या किए, कनेक्शंस बनाए हुए हैं, और एज फार एज दिस कनेक्शंस आर कंसर्न, तो हमारे पास इन अगर कनेक्शंस को देखते हैं तो जो चीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हुई थी सेम वही काम वहां हो रहा है, बट इधर हमने क्या कर दिया, इधर हमने बटन्स प्लेस कर दिए हैं एंड एट ईच बटन हमारे पास नंबरिंग हुई भी है कि भाई कौन सा बटन किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम वो बटन प्रेस करेंगे तो आउटपुट साइड पे उसका BCD इक्विवेलेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है। सेम इसी तरह से हमारे पास हम कीबोर्ड की बात करें और किसी इक्विपमेंट की बात करें जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उधर भी ऐसा ही होता है कि हम जो फंक्शन देते हैं वो क्या होता है, वो अंदर जाके क्या होता है, इनकोड होता है, देन फिर वो प्रोसेस होता है एंड देन वापस वो डिकोड होके आता है। यानी कि इवन अगर आप एक माउस को भी मूव करवा रहे हैं तो ऑन द बैक इंस्ट्रक्शन सेट उसके लिए वर्क कर रहा होता है। जिस तरह यहाँ कीबोर्ड को बताया तो एक्चुअल कीबोर्ड के अंदर भी क्या होता है, मैं अगर ए बी सी या कोई भी की प्रेस करता हूँ तो वो की नहीं आती बल्कि उसका इक्विवेलेंट कोड आगे प्रोसेस होता है। तो जो कोड है वो क्या है, वो आपके एक्चुअल जो डेटा है उसको इनकोडेड फॉर्म में वो क्या करता है, प्रोसेस करवाता है। उसके बाद हमारे पास जब वो डिस्प्ले होता है तो वो वापस डिकोड हो चुका होता है। ठीक है, देन हमारे पास कोड कन्वर्टर्स आ जाते हैं। कोड कन्वर्टर्स का काम ये होता है कि वो हमें एक टाइप की कोडिंग से दूसरी टाइप की कोडिंग में डेटा को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। यानी कि एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर नजर आ रहा है। बाइनरी टू ग्रे की अगर हम बात करेंगे तो ग्रे कोड के अंदर हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा होता था कि एट अ टाइम एक बिट में चेंज वो अलाउ करता था, और अगर इन केस मोर देन वन बिट चेंज हो तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाता था। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर पहले तो मैं डेटा डाल के इसकी कंडीशन समझाता हूँ कि हमारे पास ये वर्क कैसे करेगा। लेट्स से मेरे पास बाइनरी इनपुट है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये हमारे पास आ रहा है क्या, 0 1 1 1। अब इस कोड को अगर हम देखते हैं तो इसको ग्रे में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 0 1 1 1 है ये अगर देखा जाए तो ये बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको,
फोर प्लस टू सिक्स, प्लस वन सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बट मैं अगर इसी चीज को ग्रे कोड में रिकॉल करूं तो ग्रे कोड में सेवन का कोड ये नहीं होता। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि भाई मेरे पास जो मेरा डाटा है वो मैंने क्या किया, इनपुट साइड पे मैंने बाइनरी डाटा डाल दिया और उसको एक्सोर किया हुआ है। अब एक्सोर जो हमने किया हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें जहां बिट में डिफरेंस होगा वहां वो आउटपुट देगा, जहां बिट सेम होगी वहां पे वो जीरो दे देगा। इट मीन्स अब इसके कनेक्शंस अगर हम देखें तो हमारे पास एमएसबी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और उसके बाद सीक्वेंस में क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड डाटा चल रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जीरो एडिटेस आ गया। अब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, मेरे पास इधर वन आ रहा है और यहाँ से जीरो आ रहा है, जीरो वन को एग्जॉर में डालें तो आउटपुट हमारे पास आएगा वन। इसी तरह नेक्स्ट पे आता हूँ, वन वन, इधर वन है और ये इनपुट इधर कनेक्टेड है तो वन यहाँ पे भी आ रहा है। वन वन अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा जीरो। उसके बाद लास्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन वन वन आ रहा है। अब अगेन मैं अगर वन वन एग्जॉर में डालूंगा तो आउटपुट देगा वो जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि भाई सेवन का बाइनरी इक्विवेलेंट था जीरो वन वन वन, वेर एस ग्रे में, ग्रे कोड में अगर मैं सेवन को देखूं तो उसका कोड है जीरो वन जीरो जीरो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर इनटू ग्रे कोड। ठीक है, कि हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 4-बिट बाइनरी। तो हमने यहाँ डायरेक्टली क्या किया, 4-बिट बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्रे कोड। इसी तरह अब मैं अगर इसी का अपोजिट चाहता हूं, यानी कि इफ आई वांट टू कन्वर्ट ग्रे कोड बैक टू बाइनरी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन एमएसबी विल रिमेन सेम। उसके बाद जो डाटा है वो हमारे पास क्या होगा, पिछली बार हमारे पास फर्स्ट का सेकंड इनपुट, सेकंड का सेकंड इनपुट हो रहा था, यानी कि इंटरकनेक्ट हो रहा था। दिस टाइम क्या होगा, ये आउटपुट्स इसके कनेक्ट हो रहे होंगे लूप में कुछ इस तरह से। अब इससे क्या होगा, मैं अब यहाँ डाटा डालता हूँ जीरो वन जीरो जीरो और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में। मेरे पास यहाँ जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ जीरो और यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। अब जीरो वन का आउटपुट मेरे पास आएगा वन। ये वन क्या होगा, ये वन यहाँ पे आएगा वन जीरो, इस वन जीरो का आउटपुट अगेन वन, देन ये वन इधर प्रोसेस करेगा वन जीरो अगेन, सो वी हैव वन हेयर एज वेल। तो क्या बन गया, जीरो वन वन वन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप सर्किट याद रख लें तो इसका फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई बाइनरी डाटा अवेलेबल है और आपको उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो आपको उसकी वो काउंटिंग रिकॉल नहीं करनी पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस सर्किट। आप इस सर्किट के अंदर डायरेक्टली ग्रे कोड डालेंगे, सॉरी बाइनरी कोड डालेंगे, यू विल गेट ग्रे कोड। ये सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको कहीं पे भी इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड हो।
ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये होता है मैनी टू वन, यानी कि एज एन इनपुट इट विल हैव मल्टीपल लाइंस, ठीक है, और आउटपुट सिर्फ एक ही लाइन से जा रहा होगा। यानी कि आप इसको एक तरह से कह सकते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे मैं डाटा डाल दूंगा, ठीक है। अब ये डाटा आगे प्रोसेस किस तरह होगा, क्योंकि एक ही लाइन है, इसमें एक साथ ये सारा डाटा तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक डाटा सिलेक्शन की दी हुई है। इस डाटा सिलेक्शन की का काम ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा डला हुआ होगा, हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। किस तरह, हम इस पे अगर काउंट लें 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 1 बाय 1 क्या करेगा, इन नंबर्स को सेलेक्ट करेगा। लेट से अगर मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 0 0, यानी कि इक्विवेलेंट है 0 के, तो ये D0 को सेलेक्ट कर लेगा। मैं डालता हूँ 0 1, तो ये क्या करेगा, D1 को सेलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ डालता हूँ 1 0, 1 0 पे क्या करेगा, ये D2 को सेलेक्ट कर लेगा। और इसी तरह अगर मैं इन दोनों पे 1 1 डालूंगा, तो ये D3 को सेलेक्ट कर लेगा। और सेलेक्ट करने का मतलब कि D3 पे जो डाटा होगा या D2 पे जो डाटा होगा वो आउटपुट पे आ रहा होगा। तो दिस इज हाउ क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर वर्क कर रहा होता है। ये बिल्कुल बेसिक सर्किट है विच हैज 4 इनपुट्स। इसी तरह हमारे पास 8 इनपुट सर्किट आता है, 16 इनपुट सर्किट आता है, 32 इनपुट सर्किट आता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितने इनपुट्स होंगे ना, आप 2 की पावर कितनी आएगी उसको डाटा सिलेक्शन पे रखते हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ 4 इनपुट्स, यानी कि 2 की पावर 2, तो ये जो 2 है आपके पास वो यहाँ पे आ रहा होगा डाटा सिलेक्शन। अगर मैं इनपुट्स को बढ़ा के 4 से 8 कर दूं, तो डाटा सिलेक्शन कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3। अगर यहाँ 8 आएगा ना, इट मीन्स डाटा सिलेक्शन यहाँ पे 3 उस पे होगी। मैं यहाँ 16 कर देता हूँ, तो यहाँ डाटा सिलेक्शन बिट्स 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम मल्टीपल लाइंस का डाटा एक सिंगल आउटपुट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं सीरियली। अब लेट से यहाँ पे डाटा दे दिया 0 1, 0 1 इक्विवेलेंट किसके होता है, 0 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 0, ये 2 की पावर 1, यानी कि 2। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, D2 का जो डाटा होगा वो आउटपुट पे आ रहा होगा, ठीक है। मैं ये कॉम्बिनेशन चेंज करता रहूंगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो बिट बनेगी वो यहाँ से सेलेक्ट होके आउटपुट पे डाटा देगी। तो दिस इज हाउ मल्टीप्लेक्सर वर्क, दिस इज दी इंटरनल डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये डाटा इनपुट्स हैं, इसको हम यहाँ पे एक नाम दे रहे थे S0 S1, और ये हमारे पास इसके टाइम डाटा है I0, I1, I2 एंड I3। इधर कनेक्ट किस तरह से किए हुए हैं, तो भाई यहाँ पे जो लाइंस हैं ये हमें पता है कि I0 के लिए कौन सी लाइन सेलेक्ट होनी है। I0 के लिए हमारे पास दोनों लाइंस पे 0 0 होगा, यानी कि दोनों के जो इन्वर्टेड होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। देन I के लिए यहाँ क्या कोड सेट होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होंगे, गेट्स कनेक्टेड होंगे। दिस इज 4 × 1 मल्टीप्लेक्सर। वी कैन हैव 8 × 1। 8 × 1 में क्या होगा, इधर हमारे पास 3 लाइन्स आ जाएंगी और फिर वो कनेक्ट हो रही है। देन वी कैन हैव 16 × 1 मल्टीप्लेक्सर, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ डाटा सिलेक्शन लाइन्स 4 हो जाएंगी और इनपुट्स जो होंगे डाटा वो हो जाएंगे 16। सही, दिस इज 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। हमारे पास डाटा लाइंस कितनी हो गई, 3 हो गई।
क्योंकि 8 बिट का डाटा है। इसी तरह 16 होगा अगर तो डाटा लाइंस 4 हो जाएंगी, और जो 0 to 7 आ रहा है डाटा हमारा, ये 0 to 15 हो जाएगा। उसके बाद वी हैव डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर अगर इसका नेम ही कंसिडर करें तो इसी से एक चीज हमें शायद थोड़ी सी क्लियर हो कि इट वर्क्स अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इट मीन्स दिस इज वन टू मैनी। इससे पहले था हमारे पास मल्टीप्लेक्सर विच इज मैनी टू वन, यानी इट विल हैव मैनी इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। नाउ डी मल्टीप्लेक्सर इट विल हैव मैनी इनपुट्स, सॉरी सिंगल इनपुट बट मैनी आउटपुट्स। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर को अगर हम देखें, दिस इज यहाँ क्या हो रहा है, पैरेलल इनपुट है और सीरियल आउट है। ये मल्टीप्लेक्सर में सीरियल इन होगा, पैरेलल आउट होगा। ठीक है, तो इट वर्क्स कंप्लीटली अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है कि आईसी मेंशन है विच इज यूज फॉर डी मल्टीप्लेक्सिंग। डेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा हम यहाँ पे देंगे इस पॉइंट पे, और अब डेटा यहाँ पे आ गया, इसकी सिलेक्शन हमारे पास क्या होगी कि ये डेटा किस जगह पे जाना है वो हमारे पास यहाँ से हो रही है। ठीक है, इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो दिस इज दी इंटरनल सर्किट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। ये हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास स्विचिंग लाइंस हैं कि यार ये डाटा एक आ रहा है मेरे पास, ये डाटा कहाँ जाना चाहिए, तो उसके लिए ये सिलेक्शन है मेरे पास। यानी कि यहाँ पे देखा जाए दिस इज सिलेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज 128 डी मल्टीप्लेक्सर एंड दिस इज 124 डी मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ डाटा करता हूँ 0, मैं लेट्स से मैं डाटा यहाँ डाल देता हूँ 0, डी के ऊपर डाटा आ रहा है 0। अब इस 0 को मुझे कहाँ भेजना है, वाई नॉट पे भेजना है, वाई वन पे भेजना है, वाई टू पे भेजना है, 3 पे या 7 पे, वो मैं सेट करूंगा यहाँ से। मैंने यहाँ 0 लिखा, अब मैं यहाँ पे सेट करूंगा यार मुझे वाई 7 पे भेजना है। वाई 7 के लिए मुझे पता है मैं क्या लिखना, डाटा इनपुट देना होगा इधर 1 1 1। तो मैं 1 1 1 करूंगा तो ऑटोमेटिकली वाई 7 की लाइन के ऊपर ये वाला जो डाटा है ये क्या होगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। मैं कहता हूँ यार मैं यार डाटा 1 रख रहा हूँ और ये जो 1 है ये मैं कहता हूँ वाई 3 पे जाना चाहिए। अब वाई 3 पे जाना चाहिए इट मीन 1 1 एंड 0। मैं जब 1 1 0 करूंगा तो जो भी डाटा यहाँ होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वाई 3 पे। ठीक है, सेम यही चीज हमारे पास 1 into 4 डी मल्टीप्लेक्सर पे भी अप्लाई होगी, इधर भी सिनेरियो सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर की एग्जांपल है जिसमें अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा सिलेक्शन के अंदर हमने इसको एक कंटिन्यूस डेटा दे दिया कि वो काउंट जो वेव है वो 0 0 0 0 1 0 0 1 1 इस तरह करके क्या कर रही है, ये सिलेक्शन यहाँ पे हो रही है। और ये जो G1 है ये हमारे पास डाटा है, तो क्या हो रहा है टाइम के साथ अपने आप को चेंज करता जा रहा है। अब इधर से क्या होगा, इधर से ये एक सीक्वेंस फॉलो करता हुआ जा रहा है, यानी कि डाटा पहले जाएगा लाइन 0 पे, फिर डाटा जाएगा लाइन 1 पे, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7। ऐसा इस वजह से होगा कि मैं यहाँ पे बाइनरी काउंटिंग क्या कर रहा हूँगा, करवा रहा हूँगा।
पहले यहाँ 0 0 0 कर दूंगा, फिर 0 1 0 कर दूंगा, 0 0 1, इस तरह करके मैं क्या करूँगा, इसको चला रहा हूँ। जब मैं इस तरह से इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, जो भी यहाँ डाटा मैं रखूंगा वो 1 बाय 1 सब पे जाता जाएगा। यही काम यहाँ पे हुआ हुआ है। फर्स्ट उसमें क्या है, 0 0 0, एट दैट पॉइंट यहाँ आ रहा है 1। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 1 आने का मतलब क्या है कि मेरे पास वाई नॉट पे आउटपुट आना चाहिए। ये क्या है, बबल लगा हुआ है, यानी कि एक्टिव लो आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ रहा होगा, अपोजिट आ रहा होगा बबल की वजह से, ठीक है। और एट दैट पॉइंट बाकी सब हाई होंगी क्योंकि ये सब क्या है, एक्टिव लो आउटपुट से बबल है। तो 0 जो इनसाइड था वो बाहर आके क्या हो रहा था, 1 हो रहा है। ये सब क्या होगा, अपोजिट यहाँ पे आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं इस फेज में आता हूँ, यहाँ पे आप मैंने डाटा यहाँ पे स्टेटस सिलेक्शन कर दी 1 0 0। अब 1 0 0 का मतलब है कि मैं लाइन 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इट मीन जो भी डाटा यहाँ पे होगा वो शिफ्ट हो जाएगा लाइन 1 पे। तो इस तरह से देखा जाए तो डाटा क्या हो रहा है, डाटा शिफ्ट होता जा रहा है आगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ डी मल्टीप्लेक्सर वर्क। इसके अलावा पैरिटी जनरेटर या पैरिटी चेकर, ये हमने इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। कि भाई हमें कोई भी डाटा है उसमें हम एक एक्स्ट्रा बिट रख लेते हैं जो के क्या कर रही होती है, जो के बता रही होती है कि उस डाटा के अंदर वो ऑड पैरिटी फॉलो कर रहा है या इवन कर रहा है। ऑड है तो 1 है, इवन है तो 0, ठीक है। ये पार्ट मैं इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। ये हमने पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेटर ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और हमने ASCII लेटर ही एज एन एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम नंबर ऑफ वंस देख रहे होते थे, और ये जो पैरिटी बिट है ये हम यहाँ MSB पर यूज़ करते थे। यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4। तो इट मीन्स ये मेरे पास देखा जाए इट मस्ट हैव इवन पैरिटी, यहाँ 0 कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे इसको ऑड पैरिटी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 कर दूंगा। ये एक्चुअली क्या करेगा, ये आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है। नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो यूजली हमारे पास यहाँ 1 होगा, और नंबर वंस इवन पे ये 0 होगा, ठीक है। ये इसी की एक आईसी है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी डाटा है उसको हम चेक कर रहे हैं कि ये आइदर इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी। यानी कि हम यहाँ डाटा भेजेंगे, कितने बिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9 बिट का अगर हम डाटा भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ वो नंबर ऑफ वंस काउंट करके इधर बता देगा या इधर वो इवन है या ऑड। नंबर ऑफ वंस ऑड हुए तो ये वाली बिट हाई, और अगर नंबर ऑफ वंस इवन हुए तो ये बिट हाई। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारे पास ये पैरिटी चेकर वर्क करेगा। ये मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ भी डिटेल में पैरिटी चेकर में और जनरेटर में फर्क इतना होता है, जब वो चेक करता है तो नंबर ऑफ वंस काउंट करके यहाँ बता देगा इवन है या ऑड है। और अगर मैं कहूँगा पैरिटी जनरेट करनी है तो वो क्या करेगा कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं कहता हूँ इवन पैरिटी जनरेट करनी है तो वो पहले नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा, और अगर नंबर ऑफ वंस क्या है, अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो वो इसी डाटा में 0 प्लेस करके, यानी कि यहाँ पे इसको क्या करेगा, इधर हमारे पास इधर 0 करके आगे कर देगा, जिससे क्या होगा हमें पता होगा कि इसकी इवन पैरिटी है। और अगर ऑड पैरिटी बनानी है तो जो भी काउंट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, 1 आ रहा होगा, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।